ये आराम से भाई, आराम से उतर गया उतर गया उतर गया भाई। ट्रैक्टर को उतारना और चढ़ाना अगर खेतों से सड़क की हाइट ज़्यादा हो तो काफ़ी सावधानी भरा काम है। इसमें ज़रा भी लापरवाही और जल्दबाजी में नुकसान ही होता है या फिर ट्रैक्टर फालतू में उठा पटक करता है। तो ये ट्रैक्टर उतर गया खेत में, अब यहाँ से शुरू होगा काम। अरे यार कहाँ गया। तो भाइयों नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो हम आज चेक करते हैं फ्यूल ट्रैक्टर में, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज ट्रैक्टर चल रहा है खेत में काम करने के लिए। तो इसका जो ये फ्यूल मीटर होता है वो ख़राब हो गया, तो मैनुअल डंडे से नाप रहे हैं। तो देखिए इसमें शायद 4 अंगुल तेल तो होना ही चाहिए, जैसा मैंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था देख के ही। तो हाँ 4 अंगुल तेल है, तो इतना बहुत है। मैसी की जो टैंकी होती है ना वो फ्लैट होती है, तो उसमें जो 4 अंगुल तेल रहता है तो वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी टैंकी लंबी होती है। ऊंचाई नहीं इस टैंकी की ज़्यादा रहती है, लंबाई इस टैंकी की ज़्यादा रहती है। इंजन के ऊपर ही प्लेस रहता है। कभी मौका मिला तो मैं ये जो बोनट है इसको खोल के दिखाऊंगा कि कहाँ पर ऑयल टैंक प्लेस रहता है, कैसे कैसे प्लेसमेंट किया रहती है। तो फिलहाल चलते हैं, शुरू करते हैं, आगे चेक करते हैं रेडिएटर का वाटर। तो बाकी जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, आज के जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, उसमें ये रेडिएटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसमें एक अलग से कूलेंट बाउल दिया रहता है, उसमें कूलेंट रहता है, अगर पानी कम पड़ा तो वहाँ से वो उठा लेता है। और इसमें देखिए पूरा जंग सा लग गया है, और जंग लगने का कारण क्या है इसके ऊपर मैं एक अलग अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आप कहेंगे तो एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि कूलेंट सिस्टम ट्रैक्टर में कौन सा कूलेंट डालना चाहिए, कौन सा पानी डालना चाहिए। ये जंग लगने का कारण ये है कि कहीं से भी पानी उठा के डाल दिया तो जंग लग गया। तो भाइयों हम लगाते हैं की को प्लेस और ऑन करते हैं इग्निशन। लग जा लग जा लग गया। बड़े दिनों से रखने के बाद यार जितना जो ट्रैक्टर रखाओ, जो ट्रैक्टर ज़्यादा दिन घर पे खड़े रहते हैं उनमें ऐसे ही समस्या आती है कि वो चीज़ें जाम हो जाती हैं, कई कई चीज़ें, जैसे इग्निशन की हो गया, स्विच हो गए लाइट के, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जाम हो जाती है, फिर उनकी ऑयलिंग करनी पड़ती है। अभी ट्रैक्टर 3 महीने से खड़ा था और 3 महीने से एक भी दिन बाहर नहीं निकला, तो ये हिच की पिन इसको रखते हैं। तो फिलहाल हमें करना है रोटावेटर का काम, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये फट्टी भी निकाल देते हैं। और ये लिंच पिन है, चिरा पिन भी इसको बोलते हैं, और कई तरह के इसको पिन बोलते हैं, कुछ लोग इसको लिंच पिन बोलते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक होता है, अगर इसको ज़रा सी भी लापरवाही से या फिर ध्यान ना देकर वैसे ही निकाला गया, अगर ज़रा सा भी छटका तो फिर उंगली उसके बीच में पड़ेगी, तो फिर मज़ा आ जाएगा। अब इस रबर पट्टी को रख देते हैं, सावधानी से इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमारे यहाँ इधर उधर फेंकेंगे तो फिर सामान कोई अपना समझ लेगा, फिर अपना समझ के अपने घर में रख लेता है, इसलिए सावधानी से रखना पड़ता है सब। जहाँ से उठाओ वहीं फिर रख दो। अब ये लगाते हैं टॉपलिंग। शो सेट नहीं होगा, अब सेट हो गया है टॉपलिंग। देखिए टॉपलिंग की पोजीशनिंग यहाँ पे है, जिसका मेन काम होता है इस डंडे का सेंसिंग, हाइड्रोलिक सेंसिंग। अगर ये सेंसिंग नहीं करेगा तो ट्रैक्टर फालतू का लोड मानता है, यही मेन चीज़ होता है सेंसिंग का, टॉपलिंग का, और चीज़ों को पकड़ के रखता है। ये देखिए जहाँ जहाँ पर ऑयलिंग करना ज़रूरी होता है, फर्स्ट टाइम अगर आप ट्रैक्टर यूज़ करें कई दिनों के बाद, रेगुलर यूज़ करें तो ऑयलिंग तो ग्रीसिंग हुआ रहता है, लेकिन कई दिनों के बाद अगर यूज़ करें तो पक्का ऑयलिंग कर लेना चाहिए, वरना जो लोहे की चीज़ें हैं आपस में रगड़ कर करके कट जाती हैं, फिर उनमें वो प्ले हो जाता है, चाले हो जाती है, तो मज़ा नहीं आता, और खटर पटर फालतू की आवाज़ करती रहती हैं। तो ये सब चैने वैने में ऑयलिंग कर लेनी चाहिए, इसमें तो ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पीछे वाले एक्सल में, क्योंकि ये पहले से ही गियर ऑयल में डूब के हुए चला जाता है। और बाकी कई जो ट्रैक्टर हैं उसमें पीछे एक्सल में ग्रीस करना पड़ता है, इसमें नहीं करना पड़ता, इसमें पहले ही ऑयल में डूबा रहता है, ये चीज़ है। और इधर से देख लीजिए काफ़ी दिन से रखने के बाद इसमें जो हवा हो गई है वो कम, तो पहले हवा डलवाना पड़ेगा फिर काम शुरू होगा। तो वीडियो लंबी हो गई है, तो आगे इसमें मैं वीडियो रोटावेटर की परफॉर्मेंस वाली नहीं ऐड कर पाऊँगा, तो भाइयों बुरा मत मानना, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और वो अपलोड कर दूँगा, इसी चैनल पे अपलोड कर दूँगा। वजह क्या है कि अगर 4 मिनट से वीडियो लंबी हो जाती है, 4-5 मिनट से, तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे नेट जो है हमारे यहाँ गाँव में 2G की स्पीड से चलता है, बहुत घटिया नेट है यार। 4G 5G किए जा रहे हैं लेकिन यार 2G नहीं चलता है। 4 मिनट की वीडियो अपलोड करने में कम से कम मेरे को 3 घंटे लगेंगे भाई, ये है।